नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड के रिजल्ट के बारे में। आपका रिजल्ट फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का 9 नवंबर को आ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिजल्ट देखने का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं जो रिजल्ट आया है वो किस प्रकार आया है, उसमें से देखिए कौन कौन इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। सबसे पहले देखिए डीएलएड का परिणाम जो है वो जारी हो चुका है, यहाँ पर लिखा गया है। और प्रथम सेमेस्टर में 60% सफल हुए हैं, 60% स्टूडेंट जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सफल हुए हैं। यानी कि रिजल्ट जो आया है वो बहुत ही अच्छा नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे हैं उनकी किसी ना किसी में बैक लग गई है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आपके सेमेस्टर में 2 बैक लग जाती हैं तो आपको फिर से वो सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। 2 बैक से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 बैक हैं आपकी तब तो आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। 2 से ज़्यादा बैक होने पर आपको उस सेमेस्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा गया है डीलेड के कई सत्रों के प्रथम और तृतीय सेमेस्टरों की परीक्षा का परिणाम शनिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP ने जारी कर दिया है। अभ्यर्थी परिणाम डीलेड और BTC की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसका देखिए इसी के साथ ही एकीकृत छात्रवृत्ति और डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी का भी परिणाम जारी कर दिया गया है। डीलेड सत्र 2023 के प्रथम सेमेस्टर में 60.27% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें 186,765 ने परीक्षा दी थी और 110,736 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। ठीक है, लगभग देख लीजिए आपके 70,000 से 75,000 स्टूडेंट जो हैं उसमें फेल हो गए हैं। PNP के सचिव अनिभूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि 2022 के प्रथम सेमेस्टर का परिणाम 59.39% था। और यहाँ पर देख सकते हैं तृतीय सेमेस्टर का परिणाम जो 77.27% था, 2021 के प्रथम सेमेस्टर का परिणाम 71.7% और तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 66.6% था। 2019 का भी देखिए इसमें दिया गया है, तृतीय सेमेस्टर का परिणाम जो था 73.85 था। 2018 के प्रथम सेमेस्टर का परिणाम यहाँ पर देख सकते हैं 26.79 और तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 55.81% रहा है। सत्र 2017 के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 100% रहा है। BTC के 2015 के तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 66.7% रहा है। इसके अलावा एकीकृत छात्र परीक्षा में 672 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें 1951 ने आवेदन किया था और 1274 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो 60% ही रहा है। यानी कि आपको अगले सेमेस्टर में अपनी मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, और साथ में जो इधर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई है तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। और सेकंड सेमेस्टर का आपके एग्ज़ाम मानकर चलिए दिसंबर में भी हो जाएंगे, तो आप जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।